que देवियों के यहां, देवताओं के यहां लुक जाते नहीं है, बल्कि जब स्थान बुलाता है तब आते हैं। मैं इस स्थान के विषय में जानता भी नहीं था, लेकिन देवी की ही प्रेरणा रही कि किसी के शब्दों के द्वारा मुझे आदेशित किया गया कि यहां पर आइए, और मैं आया, यहां के यज्ञ में भी सम्मिलित हुआ और माता का दर्शन भी किया। श्री राकेश शर्मा जी को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। बधाई भी देता हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब देव प्रतिमाओं की किसी के ऊपर कृपा रहती है तभी कोई कार्य कर पाता है, अन्यथा दिल्ली में जन्म लेने के बाद इस गांव में आकर करके प्रत्येक वर्ष यहां उनके लिए विकास कामों से जुड़ना और वो भी दिल्ली जैसे स्थान से जो ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा एक्सपो मार्ट से दूसरों को मार्गदर्शन दे रहा हो, और सौभाग्यशाली है कि आकर के अपने गांव में अपने बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेने का काम करता है। पच्चीस वर्ष पूर्ण हुए, माता को इस स्थान पर विराजमान हुए और धीरे धीरे वह सबको अपने आशीर्वाद बांटती चली जा रही। राकेश जी तो कार्यक्रम करके चले जाएंगे, और इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है कि मैं आकर के यहां कार्य करता रहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं वहां बैठूं कैसे, लेकिन मैंने यहां देखा यहां की संस्कृति से जुटे हुए यहां के राजनेताओं को वो नाटी डालते हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम अपने परंपराओं से जुटे रहना यह आवश्यक है, इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं, राकेश जी को भी बधाई देता हूं, सभी यहां विपिन परिवार आशीष बुटेल जी को बधाई देता हूं और राकेश जी के धर्मपत्नी को भी बधाई देता हूं कि समय समय पर इनको मार्गदर्शन देकर के कहती रहती है कि अब आगे आए समय चलो गांव पर और वहां पर माता जगत तारिणी के मंदिर में जो कार्यक्रम करना है गांववासियों के लिए करो। अभी ये हमसे कह रहे थे कि कुछ और मंदिर का वो करना है गांव वासियों के लिए करना है। राकेश जी मैं बधाई देता हूं इसके लिए कि दिल्ली के इतने बड़े साम्राज्य को चलाते हुए भी अगर आप यहां आकर के ये करोगे तो मुझे लगता है अपनी जड़ से जुड़े रहोगे, और जो व्यक्ति अपनी जड़ से जुड़ा रहता है वह निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि सबसे जुड़ा रहता है, जो जड़ से कट जाता है वो किसी से नहीं जुड़ पाता। बहुत तो आप वहां भरे बड़े रहो, लेकिन अब हम ही है राज्यपाल तो यहां है ना, अपने गांव में जाकर के तो मेरा नाम लेके चलो। मैं सोया हुआ था, उठा सवेरे, हमारे घर पर भीड़ लगी हुई थी, हमने कहा क्या बात है सवेरे आप तो अभी लोग आ गए। उन्होंने कहा क्यों आपको मालूम नहीं मालूम, हमने कहा नहीं मुझे तो नहीं, क्या है उन्होंने पेपर दिखाया था, उसमें पेपर में लिखा हुआ था कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। मैं सो के उठा, टहलने जा रहा था,
सक्रिय राजनीति में था, लगा कि राज्यपाल अभी तुरंत क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि यह देवभूमि है। देवभूमि ने शायद मुझे बुलाया होगा, तभी मैं हिमाचल के राज्यपाल के रूप में आकर के आ सका। और मैं जरूर यह देखता हूं कि यहां देवी देवताओं के प्रति लोगों का विश्वास है। संस्कारों के कारण सब लोग उसमें लगे रहते हैं। आशीष जी ने, यहां दो आशीष है, आशीष भूपेल जी भी है और आशीष गोपाल जी भी है। आशीष जी ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना किया, शायद वो दृश्य किसी को नहीं मालूम है। यह एक झोपड़ी बनाकर के हरिद्वार में रहने लगे, और हमारे चुनाव का संचालन भी ये किए थे। मैं ढूंढता हुआ कि भाई है कहां आशीष, पता लगा कि हरिद्वार चले गए हैं सन्यासी बनने के लिए। हमने कहा अच्छा ढूंढते हैं, देखते हैं कहां सन्यासी बनने के लिए काम करना है कि तुरंत सन्यासी अभी इस उम्र में बनना है। तो मैं आया तो वास्तविक ध्यान दे करने वाला सन्यासी तो नहीं पाया, लेकिन हरिद्वार में एक छोटी सी झोपड़ी में पाया वह व्यक्ति। करपात्री नाम तो मैंने सुना कि करपात्री जी एक नाम है, भारतीय मनीषा रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पत्ते पर न पत्तल न थाली कुछ नहीं, पत्ते पर थोड़ा सा ग्रास लेकर के खाते हुए अगर किसी व्यक्ति को मैं देखा तो आशीष गौतम को उस समय मैंने देखा। सेवा किसी के मन में जब आता है तो वह क्या खा रहा है क्या पी रहा है इसकी कोई स्थिति उसकी नहीं रहती, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में होता है। जो हो जाए ठीक है, जो खा लिया ठीक है, जहां सो लिया ठीक है, मतलब पूरी तौर पर वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति में होता है। और आज उसी का परिणाम है कि निश्चित रूप से लोग इनसे जुड़े और जुड़ करके उस कार्य को बढ़ाया, बढ़ाने का काम किया। 250-300 कुष्ठ रोगियों के बच्चों को छात्रावास में रखते हैं, पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल है, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं। तब मैंने ये कहा कि यह जो संन्यास भाव से आए थे, इससे बड़ा सन्यासी कोई और नहीं हो सकता है जो दूसरे के लिए जिए। वो भी आज यहां उपस्थित है। और मैं समझता हूं कि जितना भी अनुशासन करना हो कर कर करके अपने घर को कम से कम नशे से मुक्त करो। देखिए मैं कोई राजनीतिक आसर तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आदत मेरी रही है कि सक्रिय राजनीति में रहते हुए हमेशा वेद का शब्द है चरैवेति चलते रहो। और प्रत्येक व्यक्ति को यह करना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि चलते रहने में जब चलते हैं तो भाग्य जगी रहती है और सो जाते हैं तो भाग्य भी सो जाता है। इस तरह चलते रहना चाहिए। तो मैं वह क्रम अपनाया भी, मैं प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, इन दोनों सरकारों की योजनाओं की समीक्षा जिलों में भी जाकर के करता हूं कि प्रदेश सरकार ये जो जनता के लिए दे रही है, केंद्र की सरकार ये जो जनता के लिए दे रही है, उसका अनुपालन अधिकारी अपने माध्यम से जनता के बीच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हो, चाहे हिमाचल में मुख्यमंत्री की योजना हो, कि हम नहीं जुड़ पाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
तो आप वहां भरे बड़े रहो, लेकिन अब हम ही है, राज्यपाल तो यहां है ना, अपने गांव में जाकर के तो मेरा नाम लेके चलो पुकारे, और वो शुक्र होता है। तो उस शुक्र की संकल्पना जो गांव से जुड़ी रहती है सबको जोड़ना चाहिए, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और आपने मुझे बुलाया, माता के माध्यम से बुलाया, अपने तो नहीं बुलाया होगा, लेकिन माता के माध्यम से बुलाया, इस नाते माता की कृपा मुझ पर बनी रहे, यह उनसे आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।